कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, हमारे यहाँ लोक दल चुनते हैं, हमारे यहाँ पद की मारामारी नहीं है। सिद्धांतों को लेकर विपक्ष के सभी लोग एकत्रित हुए हैं। 10 साल में जनता उब चुकी है और न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में बदलाव का माहौल बना हुआ है। पहले 2 चरणों में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है और मुझे पूरा विश्वास है कि 4 जून को जब मतगणना होगी तो हमारे पक्ष में परिणाम आएंगे। सचिन पायलट ने आगे ये भी कहा कि गरीब और अमीर के बीच अंतर बढ़ा है तो सबसे ज्यादा नुकसान घर चलाने वाली महिलाओं को हुआ है। हमने अपने घोषणा पत्र के जरिए भरोसा दिया है कि हर गरीब परिवार की महिलाओं को हम 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगे। उसकी चिंता हमको नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, हमारे यहाँ दल को लोग चुनते हैं, दल के जो अधिक सांसद आते हैं उसको राष्ट्रपति न्योता देते हैं और फिर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हमारे यहाँ पद की मारामारी नहीं है, हमारे यहाँ सिद्धांतों को लेकर हम लोग विपक्ष के सब दल इकट्ठे आए हैं क्योंकि 10 साल से जो शासन चला है दिल्ली में उसमें बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो जनता के हित में नहीं है। संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर करने का काम किया गया, उनकी विश्वसनीयता पर आज प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि 10 साल में जनता उब चुकी है, बदलाव का माहौल पूरे देश में है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में तो यहां पे डबल इंजन सरकार है तो दोनों से लोग परेशान हैं। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पहले 2 चरण के पोलिंग में इंडिया गठबंधन के तमाम उम्मीदवार बहुत बढ़त बनाए हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है 4 जून को जब मतगणना होगी तो जो संख्या बल हमारे गठबंधन को चाहिए सरकार बनाने के लिए वो हमको मिलेगा। सर, योग्य हिस्सा हम लोगों ने इस देश की महिलाओं को समर्पित किया है और हमने जो गारंटी दी है, जो न्याय हम चाहते हैं महिलाओं को, क्योंकि इस देश में अगर अमीर गरीब की खाई बड़ी है तो उसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है महिलाओं पे आता है जो घर चलाती हैं। हमने ये आश्वासन लोगों को दिया मैनिफेस्टो के माध्यम से कि प्रत्येक गरीब परिवार के महिलाओं को प्रतिवर्ष हम लोग एक साल में 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगे ताकि वो महिला अपने घर का जो काम करती है उसको थोड़ी आर्थिक मदद मिल सके। और इस देश में अगर बड़े बड़े लोगों के लाखों करोड़ रुपए माफ हो सकते हैं तो थोड़ी आर्थिक मदद अगर गरीब परिवार के किसी की महिला के जेब में जाती है तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। और महिलाओं को हमने कहा जो रिक्त पद हैं भारत सरकार के लगभग 30 लाख ऐसे खाली पद हैं, वो पद भरे जाएंगे तो उसमें आधे पद हम महिलाओं को देना चाहते हैं। महिला इस देश के बराबर की हिस्सेदार हैं, वो नागरिक हैं और मुझे लगता है उनको हर तरह से संबल ताकत देने का काम करना चाहिए। इसीलिए हमारे मैनिफेस्टो में बहुत बड़ा हमारा जो हिस्सा है वो महिलाओं पर केंद्रित है।